काम बहुत लोगों ने किया, लेकिन आखिर इन सब लोगों की एकत्रित शक्ति ने मोदी जी को खड़ा कर दिया, और इसलिए उनका जो भी वर्णन किया जाए वो मुझे कम ही लगता है। कि आप मुझे और कुछ मत पिलाइए, भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाइए। लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, पिलाओ ना। तो एकदम आपको सच्ची बात बताता हूँ, मेरे मन में माता का वात्सल्य जागृत हो गया। मेरे अंतकरण में उस समय मातृत्व भाव था, और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे एक अत्यंत अच्छे लाल जो देश के होनहार है उनको मैं पिला रहा हूँ, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूँ। मनुष्य के जीवन में और उसके सामाजिक जीवन में जो अनेक संकल्प होते हैं, उन संकल्पों की सिद्धि होते के समय जो समाधान प्राप्त होता है, वह समाधान कल हमने पूरी तरह प्राप्त किया। मुझे याद आ रही थी हमारे अनेक कार सेवकों की, और उनके भी पूर्व जिन लोगों ने आत्मबलिदान इस दिव्य कार्य के लिए किया था, उन सब की। और मुझे अंतकरण में पुनः पुनः भाव उमड़ करके आ रहे थे कि मोदी जी के प्रयासों के कारण आज उसके ऊपर कलशारोपण हो रहा है, उसका कार्य पूर्ण हो रहा है। काम बहुत लोगों ने किया, लेकिन आखिर इन सब लोगों की एकत्रित शक्ति ने मोदी जी को खड़ा कर दिया, और इसलिए उनका जो भी वर्णन किया जाए वो मुझे कम ही लगता है। मैंने केवल भावुकता में उनको राजर्षि नहीं कहा, उस प्रकार का उनका जीवन मैं देख रहा हूँ। कल समय अल्प था इसलिए मैं पूरा बोल भी नहीं पाया, लेकिन इन 11 दिनों में उन्होंने भगवान श्री राम के मंत्र का बहुत जप किया है। मंत्र हमने ही भेजा था, लेकिन वो लगातार अखंड जब भी खाली थे उस मंत्र का जप कर रहे थे, ये मैंने स्वयं अवलोकन किया है। तो इस प्रकार अपने को अपनी वाणी से, अपने मन से और अपने कर्म से, अपने संसर्ग से साधने वाला कोई एक राष्ट्रनायक हम लोगों को प्राप्त हो जाए, ये देश का सौभाग्य है। और इसी प्रकार हमारा देश आगे प्रगति करता जाएगा, और हम लोग विश्व का मंगल करने के लिए अपने को निश्चित रूप से सशक्त बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने जब आपका चरण स्पर्श किया, जितनी जनता थी सब आप दोनों के प्रेम भाव को देख कर के पसंद की थी, क्या आपको कैसा लग रहा था उस पल का, कैसा लगा आपको? देखो, क्या भावनाएं थी जब मैं तो समझता नहीं था कि उनके मुख में मुझे पिलाना है। मैं तो चरणामृत के रूप में उनको तीर्थ देने के लिए ही उनके कहने से लाया था। एक बात और बता देता हूँ, वास्तव में जो सोचा गया था वो जल में शहद और नींबू के दो बूंदे डाल करके और उनको पिलाने की बात हमने सोची थी, जो कि हम लोगों को प्रायः जिसका भी उपोषण पूरा करना होता है हम लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कल मुझे अलग से आते आते अलग से मुझे कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाइए, भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाइए। इसलिए समय पर हम लोगों को सब बदलना पड़ा, और वो जब अच्छा वो भी मैं जैसा तीर्थ दिया जाता है मंदिर में वैसे ही उनको देने वाला था, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा पिलाओ ना। तो एकदम आपको सच्ची बात बताता हूँ, मेरे मन में माता का वात्सल्य जागृत हो गया। मैं उनकी माता जी को बहुत अच्छी तरह जानता रहा हूँ। मेरे अंतकरण में उस समय मातृत्व भाव था, और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे एक अत्यंत अच्छे लाल जो देश के होनहार है उनको मैं पिला रहा हूँ, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूँ।